respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, your exams are coming near, so prepare well. Today we will start our remaining chapter, The Lost Child by Mulk Raj Anand. This is our moments chapter, so let us begin. But he half knew as he begged that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. But he half knew, पर वो उसको पता था, आधे मन से उसको पता था कि उसकी जो begged है, उसकी जो प्रार्थना है, उसकी जो plea है, उसकी प्रार्थना है, विनती है, वो उसके पापा उस पर कोई हीडेड मिट अटेंशन नहीं देंगे, उसके पापा उस बात पर अटेंशन नहीं देंगे. बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से दैट ही वॉज ग्रीडी. जलेबी अगर वो मांगता है या मिठाई मांगता है, स्वीट मांगता है, तो उसके फादर कहेंगे कि देखो कितना लालची है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. इसलिए बिना किसी आंसर की प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ देता है, बढ़ जाता है. अ फ्लावर सेलर, अब आगे चलता है तो एक फूल वाला फूल बेच रहा था. हॉग्ड, चिल्ला रहा था. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन. ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीव्ड एंड हाफ मर्मर्ड आई वॉन्ट दैट गार्लैंड. अब बच्चा था, हर चीज से आकर्षित होना ही था उसको. जब वो थोड़ा सा आगे मुड़ता है तो वो देखता है कि जो चाइल्ड है सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, बिना मन से नहीं चाहते हुए भी उस फूल वाले की तरफ खींचा चला जाता है. जब वो गार्लैंड ले लो चिल्ला रहा है तो उसकी तरफ खींच जाता है. ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, और उस बास्केट के पास जाता है. वेयर द फ्लावर्स ले हीव्ड, जहाँ पे जिस बास्केट में फूलों का ढेर लगा हुआ है. दैट हाफ मर्मर्ड, और आधे मन से चिल्ला, आधे मन से अपने ही मन में लो वॉइस में, मर्मर्ड मीन्स स्पीक इन अ लो वॉइस, बहुत धीरे से आवाज में बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए. बट ही वेल न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. बट ही वेल न्यू, पर वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके पेरेंट्स अगर वो उन माला को मांगेगा, फ्लावर्स को मांगेगा, तो वो मना कर देंगे. बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे दैट दे वर चीप, कि वो बहुत सस्ते हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना किसी आंसर का वेट किए ही वो आगे बढ़ जाता है. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब एक आदमी खड़ा था आगे, बैलून सेलर. तो जब बैलून सेलर खड़ा था, उसने एक पोल गाड़ रखा था, और उस पोल पर येलो कलर के, रेड, ग्रीन, पर्पल, बहुत से बैलून्स उड़ रहे थे, धागे से लटके हुए उड़ रहे थे. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो कलोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर. वो गुब्बारे ऐसे लग रहे थे, बैलून ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई रेनबो हो, क्योंकि रेनबो में भी 7 कलर होते हैं और गुब्बारे में भी कई कलर थे. तो वो बच्चा देख करके उन गुब्बारों को, उन बैलून्स को, उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है और उनकी तरफ चला जाता है. And was filled with an overwhelming desire to possess them all. Overwhelming, a very strong emotion. बहुत ज़्यादा उसको feeling आ जाती है कि मुझे ये चाहिए, और वो उनको सबको लेना चाहता है, वो सारे balloons को लेना चाहता है. But he well knew his parents would never buy him the balloons, because they would say he was too old to play with these such toys. So he walked on further. परंतु वो जानता था कि उसके पेरेंट्स कहेंगे
कि इन सब बैलून्स को खरीदने के लिए, खिलौनों को खरीदने के लिए तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत बड़े हो गए हो, एंड टू प्ले विद सच टॉयज, और इन सब खिलौनों को तुम अब नहीं खेल सकते। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे चल देता है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट ऑन अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ अ बास्केट इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वैम व्हाइल द म्यूजिक स्टोल into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. A snake charmer stood playing a flute. अब स्नेक चार्मर था सपेरा। सपेरा क्या कर रहा था? वो सपेरे सांप की तरफ करके ये देखो बीन बजा रहा है और सांप उसकी बीन के म्यूजिक पर नाच रहा था। तो अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग फ्लूट, जब स्नेक चार्मर अपनी बांसुरी बजा रहा था तो स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, और जो स्नेक है वो उसका म्यूजिक सुन करके अपनी बास्केट से कॉइल बनाए हुए था। इट्स हेड रेज्ड, वो अपना सिर उठा लेता है इन अ ग्रेसफुल बैंड, बहुत सुंदर ही जैसे कि जिग जैग मैनर में बहुत सुंदर दिख रहा था। लाइक द नेक ऑफ ए स्वैन, जैसे एक स्वैन की गर्दन होती है वैसे ही। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपल ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जब बच्चे के कानों में वो म्यूजिक की स्वर, वो म्यूजिक की तान सुनाई दी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पानी का झरना बह रहा हो, जैसे म्यूजिक पानी के झरने के रूप में बह रहा हो। The child went towards the snake charmer, but however, knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. The child went towards the snake charmer. बच्चा स्नेक चार्मर की तरफ मुड़ गया, but knowing his parents he had forbidden इन टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, पर ये जान करके कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि कितना भद्दा म्यूजिक है, वो फॉरबिडन कर देंगे, उसको मना कर देंगे, अलाउ नहीं करेंगे टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, ऐसा भद्दा म्यूजिक सुनने के लिए उसको वो मना कर देंगे। द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर, तो वो आगे चल देता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, अब आगे जाता है तो एक राउंड अबाउट है, झूला लगा हुआ है। मैन विमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ वर्लिंग मोशन शीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट I want to go on the roundabout, please, father, mother. अब बच्चे से सात चीजों को तो देख करके वो मना कर देता है बच्चा। There was a roundabout in full swing. Men, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. There was a roundabout in full swing. Full swing means पूरा भरा हुआ, बड़ा झूला, उसमें बच्चे, औरतें, और आदमी सब झूल रहे थे। Shrieked, चिल्ला रहे थे, with dizzy laughter, हंस भी रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम, बच्चे ने उन्हें देखा और तुरंत बोला एक बड़ी सी रिक्वेस्ट की उसने, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, पापा मम्मी प्लीज मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स,
They were not there. Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. There was no reply. पर जैसे ही उसने बोला कि मुझे झूले पर जाना है, कोई आंसर नहीं आया. He turned to look at his parents. फिर उसने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा. They were not there. वो भी वहाँ थे ही नहीं. Ahead of him, उसके आगे भी कोई नहीं था. He turned to look on either side. फिर उसने एक दूसरी तरफ देखा, वहाँ भी कोई नहीं था. They were not there. कोई नहीं था वहाँ. He looked behind. There was no sign of them. और उसके मम्मी पापा का कोई भी पता नहीं था. A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" बहुत तेज तेज से बच्चा रोने लगा. Within his dry throat, उसका गला सूख गया रोते रोते. And with a sudden jerk of his body, और उसके धक उसके शरीर को एक झटका लगा. He ran from where he stood, जहाँ वो खड़ा था वहाँ से दौड़ा. Crying in real fear, वास्तविक बहुत डर लग गया था उसको. मम्मी पापा मदर फादर चिल्लाता हुआ दौड़ रहा था. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he walked. Tears rolled down from his eyes. उसकी आंखों से आंसू बह निकले. Hot and fierce, गरम गरम आंसू. His flushed face, उसका जो उसके जो गाल थे वो was convulsed with fear, डर से भर गए थे. Panic stricken, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. He ran to one side first and then to the other, पहले वो एक तरफ दौड़ा फिर दूसरी तरफ दौड़ा. Hither and thither, कभी यहाँ कभी वहाँ. In all directions, सभी दिशाओं में. Knowing not where to go, नहीं जानता था कि उसको कहाँ जाना है. मदर फादर ही वॉक, मम्मी पापा कहता हुआ वो चिल्लाया दौड़ा. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके जो क्लोथ्स थे वो मिट्टी के हो गए. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड इन टू सॉब्स. एट Little distances on the green grass, he could see through his funny, filmy eyes, men and women talking. Having run to and fro means here, there, यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था. Rage of running for a while, कुछ देर तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था. He stood defeated, हार करके एक जगह खड़ा हो गया. His cries suppressed into sobs, उसकी जो चीख थी उसका जो रोना था वो सुक्कियों में बदल गई थी. At little distance, थोड़ी दूरी पर, on the green grass, हरी हरी घास पर, he could see, वो देख सकता था, through his filmy eyes, men and women talking, कि बच्चे आपस में बात कर, sorry, men और लोग आपस में, लोग और औरतें आपस में बात कर रहे थे. He tried to look intently, intently means carefully. उसने ध्यान से देखने की कोशिश की. Among the patches of ब्राइट येलो क्लोथ, उसने देखा कि लोगों के बीच में एक पीले कपड़े वाला कोई व्यक्ति था. बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, पर उसके मम्मी पापा नहीं थे वहाँ. अमंग दीज पीपल, इतने लोगों के बीच में, हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, कोई हंस रहा था, कोई बात कर रहा था, कोई आपस में बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे. He ran quickly again, वो फिर से दौड़ा. This time to a shrine to which people seemed to be crowding, every little inch of space there was congested with men. But he ran through people's legs, his little soul lingering, mother, father, near the entrance of the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other. Heavy men with flashing murderers
eyes and hefty shoulders. He ran quickly again. वो जल्दी से दौड़ा. This time to a shrine. उस बार वो मंदिर की तरफ दौड़ा. Which people seemed to be crowding. जहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई थी. Every little inch of space. हर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि छोटी सी जगह भी छूटी हुई नहीं थी. Here was congested. Congested में भरा हुआ था. यहाँ जो स्थान था वो लोगों से भरा हुआ था. But he ran through people's legs. पर वो लोगों के पैरों में से निकल करके. His little shops lingering. अभी भी उसकी सब्जियाँ चल रही थी. Mother, father, near the entrance of the temple. अब वो मंदिर के एंट्रेंस के पास पहुँचा. The crowd became very thick. अब भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी. Men jostled each other. लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. Heavy men with flashing murderous eyes. जो लोग ज़्यादा भारी थे, मोटे थे, वो बड़ी ही large and heavy उनके कंधे थे, वो बड़ी ही गुस्से वाली आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे. The poor child struggled off to thrust a way between their feet and but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not seized at the highest pitch of his voice. Father, mother, a man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल. अब जो छोटा बच्चा था बहुत कोशिश कर रहा था. थ्रस्ट मीन्स एक दूसरे को धक्का दे रहा था. टू बे बिटवीन देयर फीट. आगे जाने की कोशिश कर रहा था. नॉक्ड टू एंड फ्रो. यहाँ वहाँ घूम रहा था. बाय देयर ब्रूटल. ब्रूटल मीन्स हार्श द मूवमेंट. कोई उसे इधर से धक्का दे रहा, कोई इधर से. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड मीन्स कुचला जा रहा था. अंडर फूट पैरों के नीचे. एंड ही नोट शीक. वो चिल्लाया नहीं. एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस. इतनी उसकी जो आवाज़ थी. फादर मदर. बस वो यही बोल रहा था. फादर मम्मी पापा. ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड. अब उस सर्जिंग में इस पावरफुल बड़ी भीड़ में से एक व्यक्ति ने हर्ड हिज क्राई. उसकी आवाज़ सुन ली. स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी. उसको बड़ी ही मुश्किल से उठाया. एंड इन हिज आर्म्स. और अपने हाथों में ले लिया. हाउ डिड यू ही गेट हेयर चाइल्ड. हूज बेबी आर यू. द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड चीयर ऑफ द मास. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर. हाउ डिड यू गेट हेयर. तुम यहाँ कैसे आए बच्चे. किसके बच्चे हो तुम. तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है. उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली. बच्चा और तेज रोने लगा. एंड नाउ ओनली क्राइड. बस वो ओनली चिल्ला रहा था, रो रहा था. मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड. बच्चे तुम कैसे पहुँचे यहाँ. किसके बच्चे हो तुम. फिर से मैन ने यही बात पूछी. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर. पहले से भी ज़्यादा बच्चा और तेज रोने लगा. And only cried और चिल्लाने लगा. I want my mother, I want my father. Soothe him. अब उस व्यक्ति ने उस बच्चे को बहुत चुप करने की कोशिश की. उसको अपनी गोदी में उठाया. बोले कि चलो राउंड अबाउट झूले पर बैठोगे बेटा, हॉर्स पर बैठोगे. He gently asked as he approached the ring. झूले के पास पहुंचकर व्यक्ति ने उस बच्चे से प्यार से पूछा. The child's thought tore into a thousand shrill sobs. बच्चे ने हजारों सुर्खियाँ लगानी शुरू कर दी. एंड ही ओनली शाउटेड. और वो चिल्लाया. आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर. मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा. लिसन टू दैट द म्यूजिक चाइल्ड. ही प्लीडेड बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स with his fingers and shouted his double pitched strain. I want my father, I want my mother. उस व्यक्ति ने कहा सपेरे की तरफ मुंह करके, बेटा वो म्यूजिक सुनोगे. परंतु उस बच्चे ने कानों में उंगलियां लगा ली और उस म्यूजिक को नहीं सुना और कहा कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. The man took him near to the balloons.
thinking that the bright colors of the balloons would distract the child's attention. अब जो व्यक्ति था वो उसको बैलून वाले के पास लेकर के गया कि शायद बैलून को देख करके इसका दिमाग थोड़ा उसका टेंशन चेंज हो जाएगा. वुड यू लाइक टू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, बेटा तुम्हें ये रंग बिरंगे बैलून चाहिए. ही परसुएसिवली उसको मनाते हुए उसने पूछा. द चाइल्ड टर्न हिज आइज, बच्चे ने अपनी आँखें फेर ली और कहा कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए. द मैन इज ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अभी भी व्यक्ति खुश करने की कोशिश कर रहा था उस बच्चे को. एंड कैरीड हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, और उस फ्लावर सेलर के पास ले गया जो फूल बेच रहा था, गार्लैंड बेच रहा था, और बोले कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, देखो कितनी अच्छी सुगंध है बेटा. चाइल्ड वुड यू लाइक अ गार्लैंड ऑफ टू पुट राउंड योर नेक, अपने गले में पहनने के लिए माला लोगे. द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चे ने अपनी नोज दूसरी तरफ कर ली. एंड रिट्रीटेड हिज जो, और अपनी शुभ क्या लेने लगा. आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर. थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप. व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक, आप सोच करके कि डिसकॉन्सोलेट मीन्स वेरी अनहैप्पी एंड अनएबल टू कम्फर्ट, जब किसी भी बात पर बच्चा चुप नहीं हो रहा था, तो उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, मिठाई देख करके बच्चा चुप हो जाए. द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप, वो व्यक्ति उस बच्चे को स्वीट सेलर के पास ले गया और उससे पूछा कि कौन सी मिठाई लोगे बेटा. बच्चे ने अपना फेस टर्न कर लिया और कोई सी भी मिठाई नहीं ली और तेज तेज से सुख की लेने लगा और कहा कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. अब जो चीज़ें वो बच्चा पहले लेना चाहता था, अब वो बच्चा उन चीज़ों को मना कर रहा है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको ओनली उसके मम्मी पापा चाहिए. तब क्या उसको उसके मम्मी पापा मिलते हैं. अब हम चैप्टर फिनिश कर चुके हैं स्टूडेंट्स. आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी. गैस करना कि क्या बच्चे को उसके मम्मी पापा मिले. स्टे होम, स्टे सेफ.